गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रिंस गोयल सर। ये सेशन अपना मैथ्स की क्लास का है जिसमें हम चैप्टर 5 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर और 6 नंबर्स के आसपास चैप्टर आता है लगभग हर बोर्ड में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले पे बेस है। फॉर्मूले याद हैं तो इस चैप्टर में शायद मैं कहता हूँ कोई जान नहीं, फॉर्मूले होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी बन के आएगा और बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं इस चैप्टर के। देखिए जैसे कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में। सबसे पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं, बट ये चैप्टर में इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखो अगर आपने सीरीज देखी हो, रीजनिंग में आती है, नॉर्मल कोई भी सीरीज आती है, इस तरह से आती है 1, 6, 12, 19 up to 100 कोई सीरीज दी रहती है, कहते हैं नेक्स्ट नंबर निकालो। तो इस सीरीज में क्या है, देखो पहले 5 बढ़ रहा था भाई, 1 में 5 बढ़ा तभी 6 आया, 6 में 6 बढ़ा तभी तो 12 आया, 12 में 7 बढ़ा तभी तो 19 आया। पहले 5 बढ़ा फिर 6 फिर 7, इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। और हम कह सकते हैं पहले 5 फिर 6 फिर 7 इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर मैं एक और सीरीज लिखूं, उसमें पहला नंबर लिखूं 1, 6, 11, 16 up to 100, तो यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे पहले 5 बढ़ रहा था, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है। इन दोनों सीरीज में एक डिफरेंस है, यहां पर इस सीरीज में अलग अलग अमाउंट बढ़ रही थी, यानी जो डिफरेंस था, जो डिफरेंस था वो अनकॉमन था, जो डिफरेंस था वो अनकॉमन था, और जो यहां पे डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो यहां पे कॉमन है, यानी इस चीज को हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जो पहली सीरीज थी वहां पे डिफरेंस अनकॉमन था। सीरीज तो वही है, देखो सीरीज हम कहते हैं कि रेगुलर पैटर्न जो बढ़े, यहां पे रेगुलर पैटर्न बन रहा था लेकिन जो डिफरेंस था वो अनकॉमन था, बराबर बराबर नहीं बढ़ रहा था। जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है नंबर 2 सीरीज जो हमने ली है, इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस कॉमन हो उसी को हम एपी बोलते हैं। ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस कॉमन हो उसी को हम एपी बोलते हैं, याद रखना, ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस कॉमन हो उसी को हम एपी बोलते हैं। यानी कि पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म घटाएं और वो डिफरेंस बराबर आ जाए उसी चीज को हम एपी बोलते हैं। जैसे 6 - 1 - 5, 11 - 6 - 5, ये कॉमन आ रहा है, इसी को हम एपी बोलेंगे। अब एक बात देखने वाली है, देखो इस एपी में आपको क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले इस एपी की पहली टर्म, इस पहली टर्म को हम ए बोलते हैं और हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। इस एपी की पहली टर्म को हम ए बोलते हैं और लिखते हैं फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटाना या तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म, कहने का मतलब पीछे वाली टर्म में से T3 में से T2 घटाना, या आप ये भी लिख सकते हैं A3 में से A2 घटाना, यानी पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म घटाना। A2 में से A1 घटाओगे, ठीक है, A4 में से A3 घटाओगे, जो भी चीज आती है इसको हम बोलते हैं D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस, ऊपर भी बता दिया था इसको, तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। तो ए का मतलब पहली टर्म A2 A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1 पीछे वाली में से आगे वाली टर्म घटाना, उसको बोलते हैं D। ये आपको किसी बुक में T3 माइनस T2 भी लिखा मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रिफरेबल ऐसे लिखें, जो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है वो ऐसे है, तो इसी तरह नोट करें आप। जो नेक्स्ट चीज है मेरे पास, इसमें एक होता है N, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, कितने नंबर हैं, इस एपी में कितने अक्षर हैं,
एक होता है एन, या टीएन भी बोल देते हैं या एल भी बोल देते हैं, मेन आप एन बोलो, ये होता है हमारा लास्ट टर्म, सबसे आखिरी टर्म। एन का मतलब सबसे आखिरी टर्म, लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं। अब अगर आपकी याद हो, पहली टर्म को हम ए लिखते हैं, ठीक है, जो हमारी दूसरी टर्म आई थी उसको ए टू लिखते हैं। और ए टू हमारी कैसे आती है, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो भाई। इस एपी की अगर हम अगली टर्म निकालना चाह रहे हैं तो डी जोड़ते जाओ भाई, जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें दोबारा डी जोड़ दो। सीधी सी बात, आप कितनी टर्म निकाल लो, अपने को एपी दे रखा था 1, 6, 11, 16, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है, जो कॉमन डिफरेंस घटा के आ रहा था 5 है ना, 5 5 जोड़ते जाओ, आपकी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो ए टू का मतलब देखो, जो पहली टर्म थी उसमें डी जोड़ दो, ए थ्री ए प्लस में 2d, ए फाइव इसी तरीके से ए प्लस में 4d। तो एक बात समझ में आ गई होगी आपके, जोन सी भी टर्म हमें लिखनी है। अब यहां से एक बात क्लियर कर लेना, ये आने वाली एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जोन सी भी टर्म लिखनी है, ए टू लिखना है। तो ए टू के लिए क्या करोगे, पहली टर्म फर्स्ट टर्म तो आएगी आएगी, डी कितनी बार जोड़ोगे, जितनी बार जोन सी टर्म पूछ रखी है उससे एक कम। ए थ्री के लिए डी कितनी बार जोड़ोगे, 2 बार। ए फाइव के लिए डी कितनी बार जोड़ोगे, 4 बार। ए हंड्रेड के लिए ए तो आएगा ही आएगा, डी कितनी बार जोड़ोगे, जोन सी टर्म पूछ रखी है उससे एक बार कम, 99d। ऐसे ही अगर अपने से कोई an निकलवाए, ध्यान से सोचना, देखो a3 निकलवाया तो आपने a तो लिखा लिखा, d कितनी बार लिखा, एक बार कम। a100 निकलवाया, a तो लिखा लिखा, d कितनी बार लिखा, एक बार कम। an निकलवाएगा, a तो लिखोगे लिखोगे, d कितनी बार लिखोगे, एक बार कम, यानी कि n-1 × d। और ये हमारा an का फॉर्मूला है जिस पे हमारी पहली एक्सरसाइज और आगे वाली एक्सरसाइज भी डिपेंड है। याद रखना, an इक्वल टू a प्लस में n-1 × d। ये हमारी पहली एक्सरसाइज का बेसिक था। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास सम की है, उसका बेसिक हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड का। आपको एपी मैंने बता दिया, एपी में 4 चीज होती हैं, फिलहाल हम यही देख रहे हैं। पहली टर्म जो हमारी एपी की पहली टर्म होगी, जो हमारी सीक्वेंस की पहली टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस, ये सबसे बड़ी बात है। अगर पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म घटा रहे हैं और वो बराबर आ रही है, यानी कि किसी सीरीज का जो डिफरेंस है वो बराबर बराबर चल रहा है, तभी एपी होता है। और इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, एन लास्ट टर्म, उसका फॉर्मूला लिख दिया ए प्लस n-1 × d। अब जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक, मैं बात कर रहा था, जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, पहला क्वेश्चन ये है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लिस्ट द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अपने को बताना है इनमें से कौन सा एपी है कौन सा नहीं। देखो पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है पहले किलोमीटर के लिए ₹15 और फिर हर किलोमीटर के लिए ₹8 8 बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। पहले किलोमीटर के लिए 15, अब अगले किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ेंगे, 15 में 8 जोड़ोगे 23, फिर 8 बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 31। ठीक है भाई, सीधी सी बात, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं कितना है, 8। तो ये एपी में है, यस एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग सिलेंडर एट ए टाइम। अगर एक चौथाई हवा हर बार हट रही है, अगर एक चौथाई हवा हर बार हट रही है, देखो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, पहले 200 हवा थी, इसका एक चौथाई हट गया, 200 का एक चौथाई यानी 50 हट गया,
कितना बचेगा 150। एक नंबर का क्वेश्चन आना है इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे इसको। भाई 200 था एग्जाम्पल, आपने 200 लिया, इसको अगर मैं ऐसे करना चाहूं, भाई 200 था, 200 का एक चौथाई हटाया, 200 का 1/4 हटाओगे, 4 से डिवाइड करा, कितना हट जाएगा 50 हट जाएगा, तो कितना बचेगा 150। अब 150 का एक चौथाई हटाना है आपको, 150 का 1/4, तो 150 का 1/4 हटाओगे यानी कि कट रहा है काट दो आप, 75 पे 2 पे 75/2, 75/2 हटाना है यानी कि 37.5 हटाना है, 37.5 हटाना है, 150 में से 37.5 हटा दो, 150 में से 37.5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा भैया, 10 में से 5 5 2 1 112.5। किसी भी हाल में ये एपी नहीं है क्योंकि यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है ये बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है, देखो पहले आपने कितने घटाए थे, पहले आपने घटाए थे 50, पहले आपने घटाए थे 50, मैं यहां लिख रहा हूं, पहले आपने घटाए थे 50, फिर आपने कितने घटाए 37.5। जब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है, पहला एपी में था, दूसरा एपी में नहीं है। तीसरा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर व्हेन कॉस्ट रुपीज 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। पहले मीटर के लिए 150 रुपये, फिर 50-50 बढ़ते जाएंगे, 200 250, कहने का मतलब डी की वैल्यू कितनी है 50, तो सीधी सी बात यहां पे डिफरेंस बराबर है तो ये एपी में है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो एपी में नहीं हो सकता, कभी भी एपी में नहीं हो सकता। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो कभी भी वो कॉमन डिफरेंस में नहीं चल सकता। यानी कहने का मतलब ये कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलता है तो कभी भी वो एपी पे नहीं हो सकता, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन है वो भी एपी में नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, जिसका तुम्हें ए दे रखा है और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है। अपने को एपी का ए दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, यहां से अपने को पहली चार टर्म लिखनी है। देखो कैसे करेंगे, देखो पहली चार टर्म लिखनी है अपने को, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू, ये मैंने आपको बताया था, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इतना इतना बार बार बढ़ता जाएगा। देखो पहली टर्म कितनी है 10, अब अगली टर्म लिखोगे 10 बढ़ जाएगा इसमें 20, कॉमन डिफरेंस 10 है ना, तो हर बार 10 10 बढ़ता जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, चलता जाएगा। चार टर्म लिखनी थी लिख दी, एक तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका। दूसरा तरीका देखो क्या है, सबसे पहले आपको पहली टर्म दे रखी है 10, अब दूसरी टर्म लिखनी है, दूसरी टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, याद होगा, ए तो लिखना लिखना है, डी कितनी बार आएगा, एक बार कम कर दो, ए प्लस डी, यानी ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, 20 हो जाएगा। ए थ्री के लिए ए तो आएगा आएगा, डी कितनी बार आएगा, दो बार, ए की जगह 10, 2 की जगह 2, डी की जगह 10, 10 प्लस में 20 कितना आ गया 30। ए फोर लिखोगे यानी कि ए प्लस में 3D, ए की वैल्यू 10 है, 3 की जगह 3, डी की जगह 10, 10 प्लस 30 40। तो आप किसी तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल भी कर सकते हो और हम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, ए की वैल्यू -2 दे रखी है, डी की वैल्यू 10 दे रखी है। अब मैं एक क्वेश्चन सिंपल से एक फॉर्मूले से इस तरीके से करूंगा, देखो पहली वैल्यू -10 है, अब डी जितना है उतना बढ़ता जाएगा हर बार, -2 में 10 बढ़ाओगे, -2 में 10 बढ़ाओगे 8 आ गया, 8 में 10 बढ़ाओगे 18 आ गया, 18 में 10 बढ़ाओगे 28 आ गया, पहली चार टर्म आ गई एपी। नेक्स्ट इसको मैं करूंगा फॉर्मूले से, देखो पहली टर्म कितनी दे रखी है 4, दूसरी टर्म ए टू निकालना है, ए टू का मतलब आपको बताया, ए तो आएगा आएगा, डी कितनी बार आएगा, एक बार कम, ए प्लस डी, 4 प्लस में डी की वैल्यू -3 है,
फोर में से थ्री माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई, वन। तीसरी टर्म ए प्लस टू डी, ए की जगह कितना लिखोगे फोर, टू की जगह टू, डी की जगह माइनस थ्री। फोर माइनस सिक्स यानी कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। ए फोर, देखो ए तो लिखोगे लिखोगे, यहां पे ए फोर है ना, तो डी कितनी बार आएगा, तीन बार। जोन सी टर्म, चौथी टर्म निकालनी है तो डी एक बार कम कर दो। ए की वैल्यू कितनी है भाई, फोर, थ्री की जगह थ्री, डी की जगह माइनस थ्री। फोर माइनस में नाइन, माइनस का फाइव। तो पहली टर्म कितनी आई हमारी, चार। दूसरी टर्म कितनी आई, एक। तीसरी टर्म कितनी आई, माइनस दो। चौथी टर्म कितनी आई, माइनस का पांच। चलता जाएगा, हमें चार टर्म निकालनी थी, हमने निकाल दी। अब इसका फोर्थ पार्ट है, ए की वैल्यू माइनस वन, डी की वैल्यू वन अपॉइंट टू। तो पहली टर्म तो तुम्हें दिख रही है माइनस वन होगी, दूसरी टर्म ए टू, ए टू होगा भाई ए प्लस में डी। ए की वैल्यू माइनस वन, डी की वैल्यू वन अपॉन टू, एलसीएम ले लो भाई, टू एलसीएम आएगा, माइनस टू प्लस में वन। सोल्व करोगे माइनस वन अपॉन में टू, लघुत्तम लेके सोल्व कर लिया, माइनस वन अपॉन टू। ए थ्री निकालोगे, ए थ्री आएगा ए प्लस में टू डी। ए की जगह कितना लिखोगे, माइनस वन, टू की जगह टू, डी की जगह वन अपॉन टू। टू से टू कैंसिल हो गया भाई, ये तुम्हारा आ गया माइनस वन प्लस वन, कट गया, कितना आएगा, जीरो। ए फोर निकालेंगे, ए फोर देखो ए प्लस में थ्री डी, ए की जगह कितना लिखोगे माइनस वन, थ्री की जगह थ्री और डी की जगह वन अपॉन में टू। तो माइनस वन प्लस में थ्री अपॉन टू, टू एलसीएम आएगा, माइनस टू प्लस में थ्री, लघुत्तम कहते हैं जिसको हम, वन अपॉन में टू आ जाएगा। तो पहली चार टर्म आ गई, पहली टर्म आई माइनस वन, दूसरी आ गई हमारी माइनस वन अपॉन टू, तीसरी आ गई जीरो, फिर आ गई वन अपॉन में टू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहली टर्म दे रखी है अपने को माइनस एक पॉइंट पच्चीस और इसमें इतना बढ़ेगा। अब मैं इसको सिंपल कर रहा हूं, देखो माइनस एक पॉइंट पच्चीस, इतना इतना बढ़ाना है। अब इसमें माइनस जीरो पॉइंट पच्चीस बढ़ाओगे, देखो माइनस एक पॉइंट पच्चीस में माइनस जीरो पॉइंट पच्चीस बढ़ाओगे, ये माइनस का है तो माइनस का वन पॉइंट फाइव जीरो हो जाएगा। दोबारा पॉइंट पच्चीस बढ़ाओगे, माइनस का एक पॉइंट पिछहत्तर हो जाएगा। दोबारा बढ़ाओगे, दो पॉइंट जीरो जीरो हो जाएगा, चलता रहेगा। तुम्हें चार टर्म निकालनी थी, चार टर्म निकल गई। अगर देखो फॉर्मूले से करते, तो मैं एक टर्म निकाल के दिखाता हूं, ए फोर क्या लिखते तुम, ए फोर के लिए ए प्लस थ्री डी लिखते, ए की जगह कितना लिखते, माइनस वन पॉइंट टू फाइव, थ्री की जगह थ्री, डी की जगह माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, ये माइनस का वन पॉइंट टू फाइव ऐसे कैसा रहता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, गुना करते, माइनस का जीरो पॉइंट सेवन फाइव, इन दोनों को जोड़ते तो यही आता माइनस का टू पॉइंट जीरो जीरो। तो सीधी सी बात, डी का मतलब ये है कि अगली टर्म में इतना बढ़ेगा, तो वही तुम्हें बढ़ा के आंसर निकालना था, चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे सिंपल निकालो। अब आगे तुम्हें जो अगली एक्सरसाइज है इसमें चेक करना है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तुम्हें पहले से कह रहा है ये एपी है, इसकी पहली टर्म लिखनी है, दिख रहा होगा यार, पहली टर्म लिखनी है, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। और क्या चाहिए तुम्हें, ए की वैल्यू थ्री, डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस बताया था पीछे वाली टर्म में से, आगे वाली टर्म माइनस कर लो, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, यानी कि वन में से थ्री माइनस कर दो, कितना आ गया, माइनस टू। सेकेंड पार्ट है माइनस फाइव माइनस वन चल रहा है, पहली टर्म तो क्लियर क्लियर दिख रही है, ए की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव, डी निकालना है पीछे वाली टर्म में से, आगे वाली माइनस कर दो, कोई भी टर्म में से कर लो, जरूरी नहीं है दूसरे में से पहली, तीसरे में से दूसरी कर दो, चौथे में से तीसरी, जोन सी तुम्हें अच्छी लगे वो माइनस करो। टी टू माइनस में टी वन, टी टू कितनी है भाई, दूसरी टर्म कितनी है, माइनस वन, माइनस में टी वन, पहली टर्म कितनी है,
माइनस फाइव। देखो दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है, ये ऐसे की ऐसी और पहले वाली टर्म ऐसे की ऐसी, बीच में माइनस का साइन। पांच में से घटाओगे कितना आ जाएगा डी, चार। नेक्स्ट है वन बाय थ्री, फाइव बाय थ्री। पहली टर्म तो भाई क्लियर दिख रही है, एक बटे तीन है। डी की वैल्यू पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करनी है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म, यानी कि पांच बटे तीन में से एक बटे तीन माइनस करना है। तीन एलसीएम आएगा, पांच माइनस एक, डी की वैल्यू आ गई चार बटे तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहली टर्म तो क्लियर दिख रही है, ए की वैल्यू छ, डी की वैल्यू टी टू माइनस में टी वन, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है, यानी कि 1.7 में से 0.6 माइनस करना है। 1.7 में से इसमें से ये माइनस करना है, 1.7 में से 0.6 माइनस कर लो, 1.1 आएगा। भाई साइड में माइनस करके देख लिया करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, बाकी डिजिट इधर उधर जैसे दे रखी है, 1.1 आ रहा है, वही हमने लिख रखा है। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहले अपने को चेक करना है ये एपी है नहीं है। अब तक कह रहा था एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यहां पे चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो याद करो जब हमने एपी में शुरुआत करी थी, मैंने एक शब्द बोला था डिफरेंस कॉमन हो, जिस सिक्वेंस में डिफरेंस कॉमन हो, यानी बराबर 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 बढ़ रही हो, उसी को हम बोलेंगे एपी में है। तो यहां पर डी निकाल के देख लो अलग अलग दो जगह से, कहने का मतलब डी इन दो टर्म से निकाल के देख लो, इन दो टर्म से निकाल के देख लो, या इन दो टर्म से, किन्हीं भी दो जगह से डी निकाल कर देख लो, अगर वो बराबर आता है तो एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। डी मतलब आपको डिफरेंस निकाल के देखना है, अगर वो कॉमन आता है, बराबर आता है तो एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 8, 16, तो देखो मैं डी निकालूंगा, पहले निकाल रहा हूं दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करके, चार में से दो माइनस करूं कितना आएगा दो। अब डी एक और जगह से निकाल के देखता हूं मैं, ठीक है ना, डिफरेंस आठ में से चार माइनस कर लूं, यानी तीसरे में से दूसरी टर्म, किन्हीं भी दो टर्म को माइनस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। आठ में से चार माइनस करोगे चार आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा, लिख देना नॉट इक्वल। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो एपी में भी नहीं है किसी भी हालात में। एपी में तभी होगा जब ये डिफरेंस इक्वल आएगा, अदरवाइज एपी में नहीं है। अगर एपी में होता तभी हमें अगली टर्म लिखनी है, अगली तीन टर्म। अब एपी में है नहीं तो कुछ फायदा नहीं इसको अगली तीन टर्म लिखने का, हम लिख भी नहीं सकते। अगर स्पेसिफिक सीरीज है तब तो हम लिख सकते हैं, बाकी हम इसकी तीन टर्म नहीं लिख सकते अगर सीरीज नहीं है। वैसे सीरीज बन रही है, टू टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगली टर्म आएगी 32, 64, देन 128, लेकिन एपी में नहीं है, ध्यान रखना एपी में नहीं है, ध्यान रखना। हाँ अगर कोई पूछ ले किसमें है, ये एक नई चीज है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जीपी का मतलब नू मत कह देना सर, जीपी आपने खुद का नाम लिख दिया, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। यहाँ पे जीपी गोयल पर इंच नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमें हायर क्लासेज यानी 11th 12th में पढ़ना है। फिलहाल हमें सिर्फ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी में जहाँ पे रेशियो सेम होता है उसको जीपी बोलते हैं। इसको डिस्कस ना करते हुए अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, डिफरेंस बराबर होगा तभी एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखो डी निकाल रहा हूं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करी, दूसरी टर्म में पांच बटे दो में से दो माइनस करना है, दो लघुत्तम आएगा, दो एलसीएम ले लिया मैंने, पांच माइनस में चार, यानी कि 1/2। ऐसे ही तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म और माइनस करके देख लो, या चौथी में से तीसरी, जोन सी आपको अच्छी लगे, लेकिन लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं सर ने कहा था कोई सी भी अच्छी लगे, चौथी में से पहली टर्म माइनस कर दी, सर ये तो बराबर नहीं आ रहा। भाई लगातार दो टर्म, या तो इन दो को लो, इन दो को लो, इन दो को लो, तो
तीन माइनस पांच बटे दो, एलसीएम दो आ रहा है सिक्स माइनस फाइव वन अपॉन टू, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं तो बोल सकते हो इन एपी। अपने को अगली तीन टर्म लिखनी है। तो देखो यहां पे तुम्हें पता चल गया होगा ए की वैल्यू कितनी है टू, पहली टर्म कितनी है टू, डी जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जो हमारा पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म घटा के आएगा, ये तो अभी हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस वन अपॉन टू। अब अगली तीन टर्म लिखनी है वो तुम्हारी मर्जी, तुम फॉर्मूले से लिखते हो या जो हमें लास्ट टर्म दे रखी थी इसमें वन बाय टू बढ़ा बढ़ा कर लिखते हो। बताया था ना अभी पिछले क्वेश्चन में, अगर हमें एपी में कभी भी अगली टर्म निकालनी हो तो जितना डी है उतना जोड़ दो। चलो इसको तो मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ। चौथी टर्म तक दे रखा है, एक तो मुझे पांचवी टर्म लिखनी है, एक छठी टर्म लिखनी है, एक सातवीं टर्म लिखनी है। सबसे पहले पांचवी टर्म, पांचवी टर्म के लिए देखो ए तो आएगा आएगा, डी कितनी बार, एक बार कम कर दो, पांच है, पांचवी टर्म लिख रहे हो तो डी कितनी बार, चार बार, ए की जगह टू, फोर की जगह फोर, डी की जगह वन बटी टू, टू से कट रहा है काट दो, ये तुम्हारा भाई हो गया दो जमा में दो फ्रेंड्स, कितना हो गया चार। ए सिक्स यानी कि ए प्लस में फाइव डी, ए की जगह टू, फाइव की जगह फाइव, डी की जगह वन अपॉन में टू, ये तुम्हारा आ गया दो जमा में पांच बटे दो। एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो दो, नीचे एक है, एक के पाड़े में दो, दो पे आता है चार जमा में पांच, यानी ये आ जाएगा भाई तुम्हारा नाइन अपॉन में टू, नौ बटे दो, एक तो ये आया एक ये आया। ए सेवन, ए तो आएगा आएगा, डी कितनी बार, एक बार कम करके सिक्स डी, तो ए की जगह कितना टू, सिक्स की जगह सिक्स, डी की जगह वन अपॉन टू, कट रहा है काट दो भाई, ये आ गया तुम्हारा दो जमा तीन यानी कि पांच। तो अगली तीन टर्म लिखनी थी वो भी हमने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें दे रखा है माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू। देखो अब मैं अगली तीन टर्म निकालनी होगी, सिंपल तरीके से निकालूंगा, आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाकी डी का मतलब यही है कि इतना बढ़ेगा हर बार भाई, हर टर्म के लिए अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो उतना बढ़ा दो, ठीक है। माइनस देखो पहले मैं डी निकालता हूं, चेक करता हूं ये एपी में है नहीं है, क्योंकि अपने को एपी नहीं दे रखा, पहले चेक करना है। पीछे वाली टर्म में से टी टू में से टी वन माइनस करोगे, यानी कि माइनस थ्री पॉइंट टू में से माइनस करना है कितना, माइनस का वन पॉइंट टू, ये आ गया। इन दोनों को घटाओगे, एक प्लस का एक माइनस का, तीन पॉइंट दो में से एक पॉइंट दो घटाओगे, जीरो का जीरो, तीन में से गए दो, कितना बचा, बिल्कुल सिंपल कितना बचा, माइनस का दो, ठीक है। फिर एक बार और चेक कर लो, इस बार चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस कर रहा हूं मैं, कहीं पे भी माइनस कर सकते हो, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूं। चौथी टर्म कितनी है, माइनस सेवन पॉइंट टू, माइनस में माइनस फाइव पॉइंट टू, तो ये भाई तुम्हारा इस तरीके से आ गया माइनस सेवन पॉइंट टू प्लस का पांच पॉइंट दो, घटाओगे दोबारा माइनस दो आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, डिफरेंस तुमने निकाला बराबर आ रहा है। अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एपी में है, जिस एपी में ए की वैल्यू पहली टर्म कितनी है भाई, माइनस वन पॉइंट टू, और डी अभी जो तुमने निकाला था डिफरेंस, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू। अपने को अगली तीन टर्म लिखनी है, पहली देखो चार टर्म अपने को दे रखी थी इस तरह से, अगली तीन टर्म देखो माइनस एक पॉइंट दो, माइनस तीन पॉइंट दो, माइनस पांच पॉइंट दो, माइनस सात पॉइंट दो, अगली तीन टर्म लिखोगे दो जोड़ने हैं, माइनस के दो जोड़ने हैं, प्लस के नहीं माइनस के जोड़ने हैं, तो साइन माइनस के आएगा माइनस नाइन पॉइंट टू, माइनस इलेवन पॉइंट टू, और अगली टर्म माइनस थर्टीन पॉइंट टू। तीन टर्म लिखनी थी लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस टू टू। देखो पहले डी निकालते हैं, चेक करते हैं एपी में है नहीं है, तो
टी टू माइनस टी वन दूसरी टर्म में से पहली टर्म, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन, एक ही बात है। दूसरी टर्म माइनस छ है, माइनस करनी है पहली टर्म, माइनस दस है, माइनस छ प्लस का दस, प्लस और माइनस, माइनस होंगे साइन प्लस का बड़ा है, आंसर प्लस का आएगा। एक तर एक जगह से और निकाल लो, पहले इन दो से निकाला, अब इन दो से निकाल लो। देखो यानी कि मैं कह रहा हूं ए फोर माइनस में ए थ्री, ए फोर माइनस में ए थ्री निकालोगे, चौथी टर्म कितनी है दो, माइनस में माइनस दो, तीसरी टर्म माइनस दो है ना, देखो चौथी टर्म में से तीसरी टर्म, चौथी टर्म तो है माइनस तीसरी टर्म माइनस दो, तो ये तुम्हारा दो प्लस दो कितना आ गया चार भाई, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। यस यस एपी में है, अगर डिफरेंस इक्वल आता है किन्हीं भी दो टर्म के बीच का निकाल सकते हो, किन्हीं भी दो टर्म, दूसरी और पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी तीसरी, पांचवी चौथी, जो भी आपको दे रखी है, आपको डिफरेंस निकालना है, अगर वो बराबर आता है तभी एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। तो देखो अपने को अगली टर्म लिखनी है माइनस दस, माइनस छ, माइनस दो, दो, अगली तीन टर्म लिखनी है, उससे पहले मैं लिख देता हूं इस एपी में ए की वैल्यू कितनी है माइनस दस, और डी की वैल्यू कितनी है, डी डिफरेंस की वैल्यू कितनी है जो हमारा आया था चार, यानी हर टर्म में चार चार इंक्रीज होता जाएगा। देखो दो में चार इंक्रीज करोगे छः, छः में चार इंक्रीज करोगे दस, दस में चार इंक्रीज करोगे चौदह, क्रॉस चेक कर लेते हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम। छठी टर्म निकाल के देख लेता हूं इसकी, मैं छठी टर्म मतलब ये वाली टर्म, ए प्लस में फाइव डी होगा, ए की वैल्यू कितनी है माइनस टेन, फाइव की जगह फाइव, डी की जगह फोर, माइनस टेन प्लस में ट्वेंटी, 20 में से 10 गए कितना बचेगा 10, और 10 ही ऊपर आ रहा था, तो किसी तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। सिंपल इंक्रीज कर लो या आप फॉर्मूले से निकाल लो, अगर सिंपल इंक्रीज करने में दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में, फॉर्मूले से निकाल लो थोड़ा इजी हो जाएगा। जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, थ्री थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू, देखो पहले घटा के देखते हैं ये एपी में है नहीं है, तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाते हैं, दूसरी टर्म फ्रेंड्स हमारी क्या है, थ्री प्लस रूट टू में से अपने को पहली टर्म घटानी है, पहली टर्म कितनी है थ्री, थ्री से थ्री दोस्तों कैंसिल, कितना आ गया रूट टू आ गया, ठीक है। अब एक जगह से और निकाल के देख लो कंफर्म करने के लिए, एपी में नहीं है तो मैं तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करूंगा, तीसरी टर्म कितनी है थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू में से मैं दूसरी टर्म माइनस करूंगा, यानी कि थ्री प्लस रूट टू माइनस करूंगा, थ्री प्लस टू रूट टू माइनस करूंगा, साइन चेंज, माइनस का थ्री और माइनस का रूट टू, थ्री से थ्री कैंसिल, भाई जब भी माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर साइन चेंज कर देता है, दोनों के साइन चेंज कर दिए इसने। अब टू रूट टू में से रूट टू, देखो दो में से एक बार माइनस करोगे कितना आया रूट टू, बहुत सिंपल चीज, दोनों चीज बराबर आ रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, लिख दो इक्वल है, इक्वल है तो यस एपी में है भाई, डिफरेंस इक्वल है तो एपी में है। इस एपी की पहली टर्म तीन, कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो हमने ऊपर निकाला था, ये चीज तो हम चेक करके बताते हैं एपी में है नहीं है रूट टू। देखो अगली तीन टर्म लिखनी है, थ्री दे रखी है, थ्री प्लस रूट टू दे रखी है, थ्री प्लस टू रूट टू दे रखी है, थ्री प्लस थ्री रूट टू दे रखी है, अब अगली टर्म लिखनी है। अब आपको पता है ये चीज जो डी है यही बढ़ती जाती है ना भाई, जब भी अगली टर्म लिखोगे ये बढ़ता जाएगा। अब इस थ्री रूट टू में अगर रूट टू बढ़ाऊंगा तीन बार तो पहले से ही है, एक बार और बढ़ा दो, थ्री प्लस फोर रूट टू,
अब अगली टर्म लिखोगे इस वाली में दोबारा रूट टू बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फाइव रूट टू। अगली टर्म लिखोगे थ्री प्लस सिक्स रूट टू। अगर फॉर्मूले से निकालते, मान लो हम सेवन्थ टर्म ही निकालते, ये हमारी सातवीं टर्म है ना, चार तो पहले दे रखी थी, पांचवी छठी सातवीं, फॉर्मूला होता ए सेवन का, ए तो आएगा आएगा सेवन के लिए, याद करो मैंने क्या बताया था, जोन सी टर्म निकालते हो एक बार कम, सिक्स डी आ जाएगा, ए की वैल्यू थ्री, सिक्स की जगह सिक्स, डी की जगह रूट टू। फॉर्मूले से आपको थोड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही इतनी ज़्यादा, बिल्कुल इजी बन के आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है कि ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको अपना आप ऐड करके दे रहा है। नेक्स्ट देखो, डी निकालते हैं पहले, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर रहा हूँ, ये दे रखा है 0.2.22.3 बार 2, इस तरीके से दे रखा है। टी टू माइनस टी वन, 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे, माइनस करके देख लो साइड में से, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो ये माइनस करना है, पॉइंट 22 बोल दो एक बार, पॉइंट 22 में से, वैसे पॉइंट 22 नहीं, पॉइंट 22 होता है, पॉइंट 22 में से माइनस करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो 0.2 है ना, तो ऐसे लिखोगे जीरो इस तरीके से, कितना बचेगा भाई, 0.02 बचेगा। अब तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस कर लो, तीसरी टर्म कितनी है 0.222, माइनस में 0.22, माइनस करोगे यहाँ पे, माइनस कर देता हूँ 222, पॉइंट के नीचे पॉइंट 220, 22 दे रखा था 22 लिख लिया, आगे जगह खाली 0.002 आ गया, ये आ गया आपका 0.002, बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल लिख दो, नॉट इक्वल तो एपी में भी नहीं है भाई, जब तक बराबर नहीं आएगा एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 -4 -8 -12, सबसे पहले डी निकालूंगा दो अलग अलग जगह से कंफर्म करने के लिए एपी में है नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा एपी में नहीं है, ये आपको एपी चेक करना है, जहां पे पहले से दे रखा है वहां पे आपको कंफर्म नहीं करना, यहां पे दे रखा था आपको चेक करना है कि एपी में है नहीं है। देखो दूसरी टर्म में से पहली टर्म टी टू माइनस टी वन, यानी कि माइनस चार में से जीरो माइनस करोगे तो भाई माइनस चार आएगा, ऐसे ही तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म, तीसरी टर्म कितनी है माइनस आठ है, माइनस आठ में से माइनस करना है कितना, माइनस का चार, भाई ये तीसरी में से दूसरी माइनस करनी है ना, माइनस आठ में से माइनस चार, मैंने ये लिखा देखो माइनस एट में से माइनस करना है, हमेशा पीछे वाली में से आगे वाली टर्म, पीछे वाले में से आगे वाली टर्म माइनस करी, माइनस का आठ, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, ये दोनों माइनस का चार, भाई दोनों बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं मतलब किस में है ये, यस एपी में। ए की वैल्यू पहली टर्म कितनी थी जीरो, डी की वैल्यू जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हो, माइनस चार, यानी हर बार माइनस चार बढ़ता जाएगा, देखो पहली टर्म जीरो थी, फिर माइनस चार, माइनस आठ, माइनस बारह, अगली तीन टर्म निकालनी है अपने को, हर बार माइनस चार बढ़ाते जाओ, माइनस बारह में माइनस चार बढ़ाओगे इस तरीके से, हर बार माइनस चार बढ़ाना है ना, तो माइनस का 16, माइनस का 20 और माइनस का 24, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा, -1/2 -1/2 -1/2, अजीब सा मतलब है ना, एक वजन अपना, देखो ये मेहमान कैसा अजीब सा आ गया है, रुक्मणी जी कहती हैं सुदामा के लिए, देखो ये मेहमान कैसा अजीब सा आ गया है, तो मैं भी कहता हूं भाई ये क्वेश्चन कैसा अजीब सा आ गया है। अब इस क्वेश्चन अजीब में क्या है, देखो इसमें सारे टर्म्स बराबर हैं, कोई आपसे पूछे एपी में है, बिल्कुल है सर, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछे एपी में है, बिल्कुल है। देखो पहले डी निकालते हैं, डी मतलब दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर लो, किन्हीं दो जगह से निकाल लो, -1/2 दूसरी टर्म, माइनस करनी है पहली टर्म, यानी इस तरीके से -1/2 प्लस में 1/2,
कट गया, जीरो आया। अब तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म और माइनस कर लो, तीसरी टर्म कितनी, माइनस वन बाय टू, माइनस करोगी दूसरी टर्म भी माइनस वन बाय टू है, माइनस वन बाय टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया कट के, जीरो। भाई डिफरेंस तो बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो यस बिल्कुल एपी में है। एपी सिर्फ एक ही कंडीशन मानता है कि अगर डिफरेंस बराबर आए तो एपी में है, उसको इस बात से मतलब नहीं कि अगली डिजिट क्या आएगी। डिफरेंस बराबर आना चाहिए, डिफरेंस बराबर आ रहा है, इन दोनों के बीच डिफरेंस बराबर आ रहा था, चाहे जीरो आए, चाहे माइनस वन आए, चाहे माइनस वन पॉइंट वन आए, कहने का मतलब कोई भी रैशनल नंबर आ जाए चलेगा, दौड़ेगा, भाग भाग के दौड़ेगा। यस एपी में है, ये मत कहना जीरो आ गया डिफरेंस तो एपी में नहीं है, सारी टर्म एक जैसी दे रखी थी, सब टर्म एक जैसी है, एपी में नहीं है। चेक करके दिखा दिया दो टर्म के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का भी जीरो है, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस भी जीरो है, बराबर है तो एपी में है। इस एपी की पहली टर्म कितनी है, माइनस वन अपॉन टू, डी की वैल्यू कितनी है, जीरो। अपने को अगली तीन टर्म लिखनी थी, देखो पहली चार टर्म दे रखी है इस तरीके से, पांचवी टर्म भाई सब बराबर आएंगी, जीरो बढ़ेगा, जीरो देखो इतना बढ़ाना होता है, जो डी आता है वो बढ़ाना होता है, यहां पे कुछ बढ़ाना ही नहीं, माइनस वन अपॉन टू। अगली टर्म भी माइनस वन अपॉन टू, अगली टर्म भी माइनस वन अपॉन टू। अगला देखो डी निकालते हैं, पहले दूसरी टर्म में से अगले है 13927, इस तरीके से टी टू माइनस में टी वन, टी टू माइनस में टी वन, यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है, तीन में से एक माइनस करोगे कितना आ रहा है, दो। तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करता हूं, टी थ्री माइनस टी टू, तीसरी टर्म कितनी है, नाइन, दूसरी टर्म कितनी है, थ्री, नाइन में से थ्री माइनस करा, सिक्स, बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल, नॉट इन एपी। अगला है ए टू ए थ्री ए फोर ए, देखो पहले डी निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म टी टू माइनस टी वन, या ए टू माइनस ए वन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। टू ए में से ए माइनस करना है, कितना आया सर, ए आया। दोबारा निकाल के देख लो, चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस कर देते हैं, इस बार ए फोर में से ए थ्री माइनस कर देते हैं। मैंने कहा था किन्हीं भी दो टर्म को, लेकिन लगातार होनी चाहिए, कंडीशन ये है ध्यान रखना, लगातार होनी चाहिए और पीछे वाले में से आगे वाली, यानी कि फोर ए में से थ्री ए माइनस करा, कितना आ रहा है, ए आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो भाई एपी में है। यस एपी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एपी में है। इस एपी की पहली टर्म कितनी है, ए है, इसको इस बार बड़ा ये लिख लो भाई, जब तुम्हें इस एपी के अंदर पहले से ही ए यूज कर रखा है, हम पहली टर्म के लिए ए यूज करते हैं, इसको बड़ा ए लिख लो, मैं जब ये पहले से बुक वाला ए लेके बैठ गया, तुम इसको अपने ए को चेंज कर लो, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन को, तो इसको तो हम बड़ा ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो हमारा घटा के आएगा उसकी वैल्यू भी कितनी है, ए, ठीक है। अब देखो अपने को पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म और सातवीं टर्म। अब सीधा सा तुम्हें पता है हर टर्म में इतना बढ़ेगा भाई, जो डी होता है, अगर मुझे इस टर्म से अगली टर्म निकालनी है तो इतना बढ़ा दो जितना डी है, डी का मतलब यही है, डिफरेंस दो टर्म के बीच गैप कितना है, इतना गैप है जो डी है, तो अगली टर्म कितनी आएगी, ए बढ़ाओगे तो फाइव ए, अगली टर्म कितनी आएगी, सिक्स ए, अगली टर्म कितनी आएगी, सेवन ए, ठीक है। चेक करना है, लिखो ए, ए सिक्स निकाल के देख लेते हैं, ए सिक्स का मतलब ए प्लस फाइव डी, ए की वैल्यू ए है, फाइव की जगह इसको इस तरह से लिखो, पहली टर्म को आपने ए मान रखा है, फाइव पहली टर्म कितनी है आपकी, ए, भाई ए सिक्स का मतलब क्या होता है,
पहली टर्म तो आएगी आएगी पहली टर्म कौन ए प्लस में 5 इंटू डी, डी एक बार कम करके लिखते हैं ना, पहली टर्म आपको ए दे रखी थी, यहां पे डी की वैल्यू भी ए है, तो ये आपका हो गया ए प्लस में 5a, यानी कितना हो गया 6a, ये हमारा पहले आ रहा था। फ्रेंड्स जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, देखो पहले डी निकालूंगा दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करके, यानी ए स्क्वेयर में से ए माइनस करना है, और आपको अच्छे तरीके से पता है स्क्वेयर वाला स्क्वेयर में से माइनस होता है, सिंगल वाला सिंगल में से माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस होने का कोई मतलब नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप ए कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा ए माइनस वन। अब तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करूंगा, तीसरी टर्म देखो ए थ्री है ए की पावर थ्री, दूसरी टर्म ए की पावर टू है, माइनस नहीं हो सकता, ये पावर तीन है ये पावर दो है, ज्यादा से ज्यादा आप ए स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, देखो तीन बार था दो बार कॉमन ले लिया, मतलब सॉरी दो बार लिख लिया बाहर, अंदर एक बार बचेगा, ये पूरा दो बार बाहर लिख रखा है ए माइनस वन, दोनों बराबर नहीं आ रहे, यहाँ पे अलग अमाउंट है यहाँ पे अलग चीज है, दोनों चीज अलग अलग है, यहाँ पे देखो ए मल्टीप्लाई में ए माइनस वन, यहाँ पे ए स्क्वेयर ए माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉट इक्वल तो नॉट एपी, नॉट इन एपी। नेक्स्ट पहले देखो रूट टू रूट एट रूट एटीन रूट थर्टी टू, इसको सही तरीके से लिखो, रूट टू को तो टू ही लिखोगे, एट को आप लिख सकते हो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, एटीन को आप लिख सकते हो थ्री मल्टीप्लाई, टुकड़े करके प्राइम फैक्टर नहीं बनाते हम वैसे करके, तीन गुना दो नौ, तीन तीन नौ दूनी अठारह, बत्तीस को लिख सकते हो दो 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 दो, जो बाहर आ रहा है बाहर ले आओ, देखो रूट टू में तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, जो जोड़ा बन गया टू का बन रहा है पेयर टू रूट टू हो जाएगा, तीन का जोड़ा बन रहा है तीन बाहर आ जाएगा थ्री रूट टू हो जाएगा, एक दो ये बाहर आएगा एक दो ये बाहर आएगा, कहने का मतलब दो दूनी चार, चार बाहर आ जाएगा फोर रूट टू। सबसे पहले अपने को चेक करना है ये एपी में है नहीं है, चेक करोगे एपी में है नहीं है, डी निकालेंगे अलग अलग जगह से, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर लेता हूं, टू रूट टू में से रूट टू माइनस करता हूं, भाई ये दूसरी टर्म थी ये हमारी पहली टर्म है, दो बार रूट टू कितनी बार है दो बार, यहां पे कितनी बार है एक बार, माइनस करोगे एक बार बचेगा। अब तीसरी में से दूसरी टर्म माइनस कर लेते हैं, तीसरी टर्म ये है थ्री रूट टू में से टू रूट टू माइनस करेंगे कितना बचेगा सर जी रूट टू, बराबर आ रहा है इक्वल आ रहा है एपी में है, यस एपी, ए की वैल्यू कितनी है भाई यहां पे रूट टू, ए का मतलब पहली टर्म, डी की वैल्यू जो घटा के देखा था तुमने रूट टू आ रहा था जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगली तीन टर्म लिखनी है, देखो रूट टू टू रूट टू दे रखा है, थ्री रूट टू दे रखा है, फोर रूट टू दे रखा है, अगली तीन टर्म लिखनी है पांचवी छठी और सातवीं, पांच। अब आपको पता है हर टर्म में इतना इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ाओगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फोर रूट टू में अगर मैं रूट टू बढ़ाऊंगा चार बार पहले से है एक बार और जोड़ दूंगा इस तरीके से, जोड़ना है मल्टीप्लाई मत कर देना जोड़ना, फोर रूट टू में रूट टू जोड़ोगे फाइव रूट टू सिक्स रूट टू सेवन रूट टू, अगली तीन टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन रूट ट्वेल्व, इसको भी सही से लिख लो, देखो रूट सिक्स को लिखोगे तीन गुना दो, कुछ भी बाहर नहीं आएगा सिक्स से लिख रहा हूं, रूट नाइन आपको पता है तीन का होता है लिख लिया, ट्वेल्व देखो दो गुना तीन, यानी रूट थ्री का रूट थ्री रह जाएगा, रूट सिक्स का रूट सिक्स हो जाएगा, रूट नाइन थ्री में चेंज हो गया टू बाहर आ गया रूट थ्री, आपको चेक करना है पहले एपी में है नहीं है। देखो चेक करने के लिए सबसे पहले मैं डी निकाल रहा हूं दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर ए टू माइनस ए वन, रूट सिक्स में से रूट थ्री माइनस करेंगे,
रूट वाला माइनस तभी होगा जब दोनों एक जैसे होंगे। रूट क्या, एक्स वाला भी वाई वाला भी स्क्वेयर में भी, मैथ में हर जगह यही चलता है, जब एक जैसा होगा तभी माइनस होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये माइनस नहीं हो सकता, रहने दो। एक जगह से और निकाल के देख लेते हैं, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म, तीसरी टर्म कितनी है 3, दूसरी टर्म कितनी है √6। भाई दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग आ रही है, साफ दिख रहा है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं आ रहा, लिख देना नॉट इन एपी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 14th क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, देखो 1 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर। पहले ढंग से लिखते हैं, 1 का स्क्वेयर 1, 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25, 7 का स्क्वेयर 49। स्क्वेयर करना था, 7 × 7 = 49। अब डी निकालते हैं तभी पता चलेगा एपी में है नहीं है। दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर लूं, 9 - 1 कितना आया भाई 8। तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म बराबर आएगा तभी तो एपी में बोलोगे। तीसरी टर्म 25 है, दूसरी टर्म 9 है, माइनस करते हो सर 16 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल, बराबर नहीं आ रहा, तो नॉट इन एपी। भाई जब एपी में नहीं है तो आप टर्म भी नहीं लिखने वाले, जो एपी में उन्हीं को डिस्कस करना है आपको। अगला है 1 का स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर। देखो 1 का स्क्वेयर 1, 5 का स्क्वेयर 25, 7 का स्क्वेयर 49, 73, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। देखो स्क्वेयर हमने कर लिया 125, 49, 73। डी हम निकाल रहे हैं 25 - 1 यानी कि A2 - A1। जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था 1 का स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखा, डी निकालूंगा दूसरी टर्म में से पहली टर्म, 25 में से 1 कितना आ रहा है भाई 24 आ रहा है। ऐसे ही तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म और निकाल के देख लो, माइनस करके देख लो, 49 - 25 कितना आएगा 24, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यस एपी। देखो अपन पहले ही चार टर्म दे रखी है, 125, 49, 73। अगली तीन टर्म लिखनी है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं एपी में है, पहली टर्म कितनी है 1। डी की वैल्यू जो अभी तुमने घटा के देखा था, जिसके कारण तुमने कहा ये एपी में है, उसी को तो कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। अब तुम्हें पता चल गया हर टर्म में 24 24 बढ़ेगा, 73 में 24 जोड़ोगे कितना आएगा 97, 97 में 24 जोड़ोगे, 97 में +24 करोगे, ठीक है ना, कितना आएगा 121, 121 में 24। हर टर्म में सीधी सी बात, हर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, डी जोड़ते जाओ। डी का मतलब यही है कि अगली टर्म के बीच इतना गैप है, 121 में 24 जोड़ोगे 145। तीन टर्म निकालनी थी निकाल चुके। अगर आप फॉर्मूले से भी मान लो A7 निकालते, ये सातवीं टर्म थी ना, चार तो पहले दे रखी थी, पांचवी छठी सातवीं, तो आपको बता रखा है A7, जोन सी भी टर्म निकालनी है A तो आएगा आएगा। D कितनी बार लिखोगे, एक बार कम करके 6D, तो A की वैल्यू कितनी है 1 दे रखी थी, 2 की 6 की जगह 6, D की जगह 24, ठीक है, 1+ में मल्टीप्लाई करते हो 24 को 6 से, 144 ऐड करते हो 145। किसी तरीके से ऐसे A6 भी निकाल सकते थे आप, A+5D, A5 भी निकाल सकते थे A+4D, डायरेक्ट ना निकाल कर, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो हमारी पहले एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो आपकी प्रॉब्लम है पूछना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और रेगुलर कमेंट करते रहें, पोस्ट करते रहें, ताकि मुझे पता चलता रहे आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं,
जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें, लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनका सॉल्यूशन कर सकूं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।